स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का हिस्ट्री। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, चैप्टर नंबर अपना है फोर्थ एंड इसका पार्ट ले आज हमने सेकंड, यानी कि इसका दूसरा पार्ट है। चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो दोस्तों पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट वन जरूर देखें ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। एंड आज हम पार्ट टू करेंगे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि पार्ट वन के डिस्क्रिप्शन में मैंने दो वीडियो के लिंक दिए हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने शायद देखी भी हो, शायद ना भी देखी हो, क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे भी होंगे जिनको यही नहीं पता होगा डिस्क्रिप्शन होता क्या है और डिस्क्रिप्शन देखते कैसे हैं। तो इसीलिए पार्ट सेकंड में मैं वही चीज़ें जो नहीं वहाँ से देख पाए होंगे तो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ध्यान से देखना और चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा जैन धर्म। आज के इस वीडियो में हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म और स्तूप तीन टॉपिक लिए हैं और तीनों टॉपिक को मैं बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो देखते हैं, जो दोस्तों जैन धर्म था इसके 24 तीर्थकर हुए हैं। तीर्थकर को हम शिक्षक भी कहते हैं, यानी इनको शिक्षक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इनके जो पहले तीर्थकर थे वो थे स्वामी ऋषभदेव, इनका नाम था स्वामी ऋषभदेव। और 23वें तीर्थकर जो होते थे वो उनके कहलाए पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थकर थे महावीर। अब मैंने पहला, उसके बाद 23वां, उसके बाद 24वां क्यों बताया बीच में, तो भाई दूसरा तीसरा ऐसे करते करते 22 तक होंगे। लेकिन हर एक को बताना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक सबसे पहला इसलिए आता है क्योंकि स्थापना इन्हीं से हुई है, और 23वें और 24वें इसलिए आते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी थी और वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर इसके बाद क्या था कि वर्धमान महावीर का नाम था, ठीक है। ये जो महावीर हैं जिसको महावीर बोलते हैं, इनका बचपन का नाम था वर्धमान, यानी इनका ओरिजिनल नाम जो उस टाइम पे था वर्धमान था। इनका जन्म हुआ था वैशाली में 540 ईसा पूर्व में, कुंडग्राम नाम की एक जगह थी, कुंडग्राम वहाँ पर हुआ था। और आपको पता हो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो पावापुरी में हुई थी, ठीक है। मृत्यु जो हुई थी पावापुरी में। इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ और इनकी जो माता थी उनका नाम था त्रिशला। पत्नी जो थी इनकी उनका नाम था यशोदा। इन्होंने क्या करा दोस्तों, जो महावीर जी थे इन्होंने अपने घर का त्याग करा, जैसे कि बौद्ध धर्म वाले गौतम बुद्ध ने अपने घर का त्याग करा था, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने, महावीर जी ने भी अपने घर का त्याग किया था। और 12 साल तक इन्होंने कठोर तपस्या की, ठीक है। 12 साल की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन धर्म के जो तीर्थकर थे उनकी जीवनियों, ये जो हम तीर्थकर पढ़ते हैं 24 तीर्थकर, इन सभी की जो जीवनी है वो कल्पसूत्र नामक एक बुक है जिसका नाम है कल्पसूत्र, उसमें लिखी हुई है 24 के 24 तीर्थकरों की सारी जीवनियाँ, ठीक है। और किसने लिखी है, ये भद्रबाहु ने लिखी है। कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको फैक्ट यहाँ से बताते चल रहा हूँ। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि उनका बचपन का नाम क्या था, उनका जन्म कहाँ पे हुआ, उनके पिता का नाम क्या, उनकी माता का नाम क्या, उनकी पत्नी का नाम क्या है, उन्होंने घर त्याग दिया, उसके बाद उन्होंने कितने साल तक तपस्या करी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया। यहाँ पे आगे चलते हैं। घर त्याग किया इन्होंने और 12 साल की तपस्या करी थी, हम पढ़ चुके हैं। जैन धर्म के तीर्थकरों की जीवनी कल्पसूत्र में, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, जैन धर्म की मान्यताएं, अवधारणाएं, जैन धर्म में कौन सी चीज़ों को माना जाता है। या क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या आता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, आपसे ये पूछेंगे ही नहीं जैन धर्म की स्थापना किसने करी, आपसे ऐसी चीज़ें नहीं पूछेंगे, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि जैन धर्म की शिक्षाएं बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसी चीज़ें बहुत पेपर में पूछते हैं, आप देख लोगे लास्ट टाइम के पेपर उठा के क्वेश्चन पेपर, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैन धर्म की शिक्षाएं देखो, जैन धर्म के जो लोग होते हैं वो ये मानते हैं कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, यानी कि जो ये दुनिया है, दुनिया में सब कुछ प्राणवान है, यानी हर चीज़ में प्राण है। ये कहते हैं कि जो पत्थर होता है, जो चट्टान होती है, जो जल होता है, उसमें भी जीवन होता है, यानी वो भी मतलब जीवित हैं। अहिंसा को अपनाने की बात करते हैं कि हमें इंसानों के साथ, जानवरों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, कीड़े मकोड़ों को नहीं मारना चाहिए, यानी हमें इन सभी के साथ क्या करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। इसके बाद है जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म पर निर्धारित होता है। इन्होंने ये कहा कि हमारा जो जन्म और पुनर्जन्म होता है वो सारा कर्म पे निर्धारित होता है। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, तो हमें अच्छा
पुनर्जन्म में अच्छा जन्म मिलेगा, किसी मतलब इंसान के रूप में इस तरीके से। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें मतलब सही जन्म नहीं मिलेगा, जानवर हो सकते हैं हम या और कुछ, इस तरीके से इनके कहने का मतलब था कि जो कर्म होता है कर्म पे ही जन्म और पुनर्जन्म ये सारी चीजें आधारित होती हैं। इसके बाद क्या है कि कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। हर धर्म में एक बात कही गई है दोस्तों कि मोक्ष प्राप्ति सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है, तो इन्होंने भी यही कह दिया कि कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या जरूरी है, कि हमें त्याग भी करना है और तपस्या। तपस्या का मतलब ये नहीं कि पेड़ के नीचे बैठ गए और तपस्या शुरू कर दी, तपस्या का मतलब ये होता है कि पूजा पाठ और मतलब बहुत तरह। तपस्या को हम बहुत डीपली बता सकते हैं, कई तरह से इसका अर्थ निकाल सकते हैं, ठीक है, सिर्फ एक तरीके से हम नहीं मान सकते कि वही तपस्या है। और जो जैन साधु लोग होते हैं या फिर इनकी जो साध्वी होती हैं, ये पांच व्रत रखते हैं, ठीक है। एक होता है हत्या ना करना, एक होता है चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, धन संग्रह करना। अब देखो हम 23वें और 24वें तीर्थकर को क्यों पढ़ते हैं, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये जो शुरू की चार दिख रहे हैं ना आपको, फर्स्ट एंड सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये जो शुरू के आपको चार दिख रहे हैं दोस्तों, ये चार दिए थे लास्ट जो पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थकर, उन्होंने ये चार चीजें दी थी। महावीर जी आए 24वें तीर्थकर, उन्होंने एक चीज और इकट्ठा कर दी, जोड़ दी, ठीक है। तो ये जो पांचों चीज हो गई ये जैन धर्म में हो गई, तो आपको समझ में आ गया होगा 23वां और 24वां हम क्यों पढ़ते हैं। अब देखो क्या है, इनके धर्म के अनुसार हत्या नहीं करनी चाहिए, और हर धर्म के अनुसार हत्या नहीं करनी चाहिए, कोई धर्म ऐसा नहीं कहता कि हत्या करो। फिर क्या है कि चोरी ना करना, कहते हैं कि भाई चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए हमें, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन ये नहीं कि हम सारी जिंदगी मतलब हमें शादी नहीं करनी, इसका मतलब यह है कि जो आयु के 25 वर्ष होते हैं उसमें हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, उसके बाद अगर आप साध्वी साधु बनते हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन रख सकते हो, वरना आप गृहस्थ जीवन में जाना चाहते हैं तो आपको 25 साल की उम्र के बाद, फिर उसके बाद आपको ब्रह्मचर्य की जरूरत नहीं है। धन संग्रह ना करना, धन संग्रह ना करना यानी कि अपरिग्रह बोलते हैं इसको शुद्ध हिंदी में, अपरिग्रह यानी कि पैसा इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है, जो आए जितना आए अपने यूज में लाओ, ज्यादा पैसा इकट्ठा करने की सोचो ही मत। जैन धर्म जो था दो हिस्सों में बट गया, ठीक है, पहला हिस्सा था श्वेतांबर, दूसरा हिस्सा था दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर जो लोग होते हैं वो सफेद कपड़े पहनते हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं, और मोक्ष प्राप्त करना प्रथम लक्ष्य होता है इनका, ठीक है। जो दिगंबर लोग होते हैं, दिगंबर वो होते हैं नग्न यानी वो नंगे रहते हैं, वो कपड़े नहीं पहनते हैं। तो आपको ये श्वेतांबर एंड दिगंबर के बीच में जो डिफरेंस है ये आपको पता लग गया होगा, ठीक है। ये जैन धर्म में ही बट गए हैं, एक श्वेतांबर बन गया, एक दिगंबर बन गया है। तो दोस्तों यहां से हमारा जैन धर्म जो था, जैन धर्म का इंपॉर्टेंट सब कुछ बता दिया गया है। मेनली जो क्वेश्चन में आता है वो जैन धर्म की शिक्षाएं पूछी जाती है, या फिर श्वेतांबर दिगंबर में से कोई एक चीज पूछी जा सकती है, तो आपको सारा कन्फर्म हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने अगले धर्म पे जिसका नाम है हमारा बौद्ध धर्म। तो दोस्तों बौद्ध धर्म की अगर हम बात करेंगे तो गौतम बुद्ध जो थे इन्होंने इनके द्वारा लाया गया था ये। तो गौतम बुद्ध जो थे इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे, सुशोधन के बेटे थे, इनके पिताजी का नाम था सुशोधन, इनकी माताजी का नाम था महामाया, और इनकी मौसी ने इनको पाला था, तो ये इन मौसी का नाम था गौतमी, क्योंकि इनकी जो जन्म हुआ था उसके कहते हैं कि उसके 7 दिन के बाद इनकी माँ की मौत हो गई थी, बाद में इनकी मौसी जो गौतमी थी उन्हीं ने इनको पाला था। इनका जो जन्म हुआ था वो 563 में नेपाल में कपिल वस्तु लुम्बिनी आपने सुना होगा यहाँ पे हुआ था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, ठीक है। उन अभी हमने जैन जैन धर्म में जब महावीर जी का पढ़ा था यशोदा पढ़ा था, और ये यशोधरा सुनने में आपको एक जैसा लगेगा, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है, आप ध्यान रखना। पुत्र जो इनके थे उनका नाम था राहुल, और आपने देखा होगा राहुल तो हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन नेम है, ठीक है। तो इस तरीके से तो दोस्तों ये सब हमने पढ़ लिया है, यहाँ से कुछ भी खास नहीं आता। अब आता है आगे, यहाँ से इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ, कि जो सिद्धार्थ थे वो एक बहुत ही अमीर, कह लो आप एक अच्छी फैमिली से थे, बहुत पैसा वैसा सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध थी, ठीक है। लेकिन उनको जो भी मिलता था सब कुछ महल की चार दीवारी में मिलता था, क्योंकि आपको ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था ना सॉरी भगवान बुद्ध का यानी कि सिद्धार्थ का, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, किसी ने भविष्यवाणी ऐसी करी थी कि ये जो है ये बहुत मतलब महान बनेगा, ऐसे वैसे बहुत सारी अच्छी अच्छी भविष्यवाणी कर दी, लेकिन उसने एक भविष्यवाणी कुछ इस तरीके से भी कर दी थी कि ये इसको बचा कर रखना वरना ये घर छोड़ देगा, ठीक है। तो इसीलिए उनके पिता नहीं चाहते थे कि ये कभी घर छोड़े, वो उसको चार दीवारी के अंदर रखते थे।
और वो हमेशा मतलब अपने महल के अंदर सारी सुविधाएं उनको प्राप्त थी, लेकिन उनका दिमाग कुछ अलग ही चल रहा था। ठीक है, वो मतलब हमेशा सत्य की खोज और ऐसी चीज़ों में इनका विश्वास रहता था। तो देखो, बुद्ध जो थे उन्होंने चार दृश्य देखे, उन चार दृश्य ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। और ये वो चार दृश्य हैं जो हमने ना जाने कितनी बार देखे होंगे, पर हमारी ज़िंदगी तो नहीं बदली। हमारी क्यों नहीं बदली और उनकी क्यों बदल गई, ये सोच का और नज़रिए का फ़र्क है। चलो देखते हैं। पहले जब वो हुआ क्या, मैं पूरी बात बताता हूँ कि इन्होंने क्या करा। सिद्धार्थ ने अपना जो इनका जो सारथी था, जो मतलब घुड़सवार, वो जो घोड़े पर ले जाता था, उसको अपनी बातों में उलझाया। उसे मतलब ये कहा कि मुझे किसी तरीके से तुम महल के बाहर ले चलो। उसको बहुत मनाया और वो मान भी गया। जब वो मान गया तो चुपके से वो गए महल के बाहर। तो बाहर गए तो सबसे पहला दृश्य जब उन्होंने महल के बाहर देखा तो उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति, बहुत ज़्यादा बीमार था, पेड़ के नीचे बैठा था। ठीक है, परेशान था, ऐसा लगा उन्हें देख के। बहुत उन्हें ये लगा ना कि ये जो बीमारी है ना, ये हर किसी के साथ आती है। आपको पता है भाई, मैं भी बीमार होता हूँ, आप भी बीमार होते हो, हर इंसान बीमार होता ही है। तो ये जो बीमारी और ये जो था, ये एक ऐसा मतलब एक ऐसी सच्चाई है जीवन में जो सबके साथ आती है। दूसरा है वृद्ध व्यक्ति। उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति, एक बूढ़ा आदमी। जो बूढ़ा आदमी था दोस्तों, वो परेशान था। ठीक है, वृद्ध व्यक्ति, तो उन्होंने चार दृश्य देखे थे। एक पीड़ा बीमार व्यक्ति देख लिया उन्होंने, उसके बाद आगे गए तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति दिया। वृद्ध व्यक्ति को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि वृद्धावस्था जो है वो हर इंसान की ज़िंदगी में आती है, यानी कि ये एक ऐसी अवस्था है जो हर किसी की ज़िंदगी में आएगी, जिससे एक टाइम ऐसा होगा जब शरीर के अंग काम करना बंद कर देंगे। मतलब हमारा शरीर कमज़ोर होने लगेगा, हमारा शरीर झुकने लग जाएगा, हमारे अंदर उतनी एनर्जी नहीं रहेगी, उतनी ताकत नहीं रहेगी, और मतलब वृद्ध हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देखकर उनको बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने आगे गए तो उन्होंने देखा एक लाश। आपने भी शायद, आप कहीं जाते होंगे तो आपके सामने भी ऐसा दृश्य जरूर आया होगा। तो उस लाश को देखकर उन्हें ये लगा, भगवान बुद्ध को, सिद्धार्थ को, कि मतलब ज़िंदगी जो है मतलब एक ऐसी है कि हर किसी को एक दिन मतलब यहाँ जाना ही है, इस दुनिया को छोड़कर हर किसी को जाना है। और जैसे वो ले जा रहे थे, लोग उनके पीछे रोते गाते कैसे कैसे आदमी जा रहे थे, उनको देखकर उन्हें लगा कि ये एक दुख बड़ा क्षण है जो हर किसी की लाइफ में आता ही है। फिर उन्होंने देखा लास्ट में एक सन्यासी बैठा हुआ था एक जगह, आराम से कमंडल वगैरह हाथ में ले रखा था, और उसके पास अपने वो जो कपड़े होते हैं बस उतना ही था, और कुछ भी नहीं था। उन्होंने लगा कि भाई ये जो ज़िंदगी है ना, ये ज़िंदगी सबसे बेहतर है, एक सन्यासी की ज़िंदगी। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास कुछ नहीं था, ना उसे पैसा चाहिए, ना उसे घर चाहिए, ना उसे गाड़ी चाहिए, ना उसे कोई सुख सुविधा चाहिए। जो भी है उसके पास, वो उसमें खुश है। हर चीज़ उसके लिए, जो भी उसके पास है, उसी में खुश है वो। और उसे ना घर की टेंशन, ना परिवार की टेंशन, ना संसार की टेंशन। भाई भिक्षा मांग के खाना खा लेता है, मिल जाता है तो खा लिया, कहीं पे भी जहाँ पे जगह मिली चटाई बिछा के सो जाएगा। उसे कोई डबल बेड की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी मतलब सुख सुविधा की ज़रूरत है ही नहीं एकदम। उसे भगवान बुद्ध, जो गौतम बुद्ध थे, जो सिद्धार्थ थे, उन्हें लगा ये लाइफ है ना, ये ज़्यादा बेटर है एक सन्यासी। अब सोचो कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास इतनी सुविधाएं थी, इतना पैसा था, सब कुछ था, एक अच्छी लाइफ जी रहा था महल के अंदर, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, आखिर इन चार चीज़ों में उसने ऐसा क्या देख लिया? ये तो भाई नॉर्मली हमने हजारों बार देखी होंगी, पर हमारी ज़िंदगी तो ऐसे नहीं बदलती। तो दोस्तों यही तो है हम में और उसमें फ़र्क, कि वो एक महान व्यक्ति बने और बाद में उन्हें भगवान बुद्ध कहा जाने लगा, और उन्होंने एक धर्म की शुरुआत करी, और आज दुनिया में ना जाने कितने सारे देशों में उस धर्म को माना जाता है, उनके अनुयायी इतने सारे हैं। तो आप समझ गए होंगे इन सब बातों को, आगे चलते हैं। ज्ञान की प्राप्ति, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने घर छोड़ दिया था, तो उस ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण कहा गया बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। सारनाथ जो जगह है, सारनाथ, यहाँ पे इन्होंने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। ठीक है, यानी कि जो मतलब इन्होंने उपदेश दिए थे, वो 5 शिष्यों को दिया था पहला उपदेश सारनाथ में। याद रखना, पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इनकी जो मौत हुई थी बुद्ध जी की, तो उसको महापरिनिर्वाण कहा गया था। क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म जो था दोस्तों, ये भी 2 समुदाय में बट गया था, एक हीनयान, दूसरा महायान। जैसे कि अभी हमने जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर पढ़ा था, ठीक इसी तरीके से हीनयान और महायान इसमें बट गया था। तो दोस्तों ये मैं आपको बहुत डीपली तो नहीं बता रहा हूँ, पर जितना आपके एग्जाम में आता है उससे कहीं ज़्यादा बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में इतनी चीज़ें भी नहीं पूछते, बहुत सिंपल सा पूछते हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ बताओ, जैन धर्म की शिक्षाएँ बताओ। लेकिन फिर भी मैंने आपको डिटेल में बताया, आप ध्यान से समझना कि बौद्ध धर्म के कुछ अनुयायी जो थे वो हीनयान और महायान में बट गए। बुद्ध की शिक्षाएं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में यही चीजें आती हैं।
बुद्ध ने ये कहा कि जो विश्व है वो अनित्य है और लगातार बदल रहे, यानी कि जो दुनिया है वो परमानेंट एक जैसी नहीं है, वो धीरे 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 लगातार बदलती रहती है। और उन्होंने बोला यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, यानी कि कोई भी चीज़ यहाँ पे परमानेंट नहीं है, कुछ भी हर चीज़ बदल जाएगी। और इन्होंने बोला भगवान का होना अप्रासंगिक है, यानी भगवान के होने का कोई महत्व नहीं है, ठीक है, जैसे कि हम मानते हैं भगवान वगैरह, ये इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते थे, अप्रासंगिक कहते थे। इन्होंने बोला समाज जो है, समाज हम कहते हैं कि भाई सब कुछ भगवान ने बनाए, लेकिन ये जो बौद्ध धर्म के लोग हैं ये कहते हैं समाज का निर्माण इंसानों ने करा है, ठीक है, अपने अपनी विचारधारा, अपने अपने चिंतन, अपना अपना दर्शन, इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो ये है यहाँ पे राजाओं को दयावान होने की सलाह दी है बौद्ध धर्म ने, ठीक है, ये बुद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, आप इसको पढ़ना। बुद्ध के अनुयायी, अनुयायी का मतलब होता है उनके फॉलोअर्स, साधारण जीवन जीना, ये उनके जो अनुयायी होते थे जो उनके साथ रहते थे मठों में, उनको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था, एक तो सिंपल लाइफ जीनी है बिल्कुल बिना सुख सुविधाओं के। इन्होंने बोला कि जीवन यापन के लिए कुछ चीज़ों का होना काफ़ी है, यानी कि मतलब बहुत कम चीज़ों में जो गुजारे की चीज़ें होती हैं उसी से जीवन यापन करना है, बहुत सुख सुविधाएं नहीं है। अब देखो जैसे मान लो कोई है उसे बेड पर ही सोना है, लेकिन सो तो इंसान फर्श पे भी सकता है, ज़मीन पे भी तो सोते हैं लोग, तो यही फ़र्क है कि भाई इन्होंने बोला भाई तुम्हें नहीं चाहिए ये सुविधाएं, तुम बिल्कुल जो बेसिक सुविधाएं जिसके बिना नहीं रहा जा सकता, जैसे हमें कपड़ा चाहिए, हमें खाने के लिए खाना चाहिए, ठीक है, और बस इतनी सिंपल जो बहुत चीज़ें होती है सिंपल सी, वही चीज़ें रखनी है, उसके अलावा कुछ भी सुख सुविधाएं वाली चीज़ें नहीं रखनी है। फिर उन्होंने बोला कि इनमें ना जो पहले जो थे वो पुरुष अनुयायी आते थे, महिलाओं के लिए जगह नहीं थी इनमें, लेकिन बाद में क्या हुआ महिलाएं भी इसमें शामिल होने लगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बौद्ध धर्म खत्म हो गया, अगला टॉपिक हमारा स्तूप, स्तूप भी चलो पढ़ लेते हैं। जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं इन्होंने इनके जो इस कुछ इस तरीके से इस शेप में होता है स्तूप होते हैं, मिट्टी के टीले होते थे, बाद में फिर जटिल होने लगी संरचनाएं, उसके चारों ओर ऐसे खंभे गाड़ के बाड़ लगा दी गई ताकि इसको सुरक्षित रखा जाए, ठीक है, और यहाँ पे सीढ़ियाँ बना दी, और यहाँ कुछ मूर्ति वगैरह जो बौद्ध धर्म इस तरीके से होता था कुछ, तो ये स्तूप होते हैं। क्या होते हैं चलो पढ़ते हैं, स्तूप किसे कहते हैं, तो कुछ जगह को प्राचीन काल से ही पवित्र माना जाता है, अक्सर यहाँ पे खास वनस्पति, अनूठी चट्टाने, विस्मयकारी सौंदर्य था, वे पवित्र स्थल जहाँ बन जाते थे, यानी कि कुछ ऐसी जगह जहाँ पे अलग टाइप के कुछ वनस्पति, पेड़ पौधे हों, या कुछ अनूठी चट्टाने हों, या ऐसा विस्मयकारी चौंका देने वाला सौंदर्य हो, उसको ये पवित्र स्थल बना देते थे, मान लेते थे। कुछ स्थानों पर छोटी सी वेदी बना देते थे, वेदी जिसे मतलब पूजा करने का स्थान कहा जाता है, और जिसे चैत्य कहा जाता था, ठीक है। इन पवित्र जगहों पर भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेष गाड़ दिए गए, बाद में इन्हीं पवित्र जगह में भगवान बुद्ध की हड्डियां वगैरह, अवशेष जो भी मतलब उनका सामान वगैरह जो मिला उसको गाड़ दिया गया। इन टीलों को बाद में क्या कहा जाने लगा, इनको स्तूप कहा जाने लगा, जब ये सब हो गया था यहाँ पे। अब क्वेश्चन बनता है कि स्तूप कैसे बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते थे, पैसे लगते थे वो दान से मिलते थे, यानी दान से प्राप्त राशि से बनाए जाते थे। दान कौन देता था, राजा देते थे, शिल्पकार देते थे, व्यापारी देते थे, ठीक है, महिला पुरुष, भिक्षु भिक्षुणी, ये सभी दान दिया करते थे। इनके दान से जो पैसा मिलता था वो स्तूप में लगाया जाता था। एग्जाम्पल अगर हम दें तो सांची का एक तोरण द्वार जो था उसका हिस्सा हाथी दांत, उसके हिस्से में जो हाथी दांत का जो भी था वो शिल्पकारों के दान से बना था, यानी हाथी दांत जो उसमें लगा था या जो भी उसकी डिजाइन वगैरह थी वो सब शिल्पकारों ने पैसा देकर बनाई थी। तो आपको पता लग गया होगा कि स्तूप दान से बनते थे। स्तूप की संरचना कैसे होती थी, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, कुछ इस तरीके से संरचना होती थी, स्ट्रक्चर, ठीक है, मिट्टी का टीला कुछ ऐसे। स्तूप को संस्कृत भाषा में टीला कहते हैं, मिट्टी का टीला, बाद में इसको अंड कहा जाने लगा था। संरचना धीरे धीरे जटिल होने लगी और इसके चारों ओर बाड़ लगाई जाने लगी, तोरण द्वार वगैरह लगाए जाने लगे, इसको घेरा जाने लगा, सीढ़ियां बनाई जाने लगी, तो इस तरीके से ये जटिल होने लगा और बाद में ये देवताओं के घर का प्रतीक बन गया, यानी इसको देवताओं का घर कहा जाने लगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हों, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें और शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद दोस्तों।